हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन और आप लोग देख रहे हैं राजन त्रिकी ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों, कुछ दिन से मेरा मारुति वैन है जो है परेशान कर रहा था, गर्म हो रहा था। क्यों गर्म हो रहा था? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं गाड़ी खुल चुका है, रेडिएटर को निकाल लिए हैं। और दोस्तों, रेडियो वाटर को निकालने के बाद में अंदर में जो छोटा छोटा स्प्रिंग रहता है वो सब ब्लॉक कर दिया था, हो गया। तो सब स्प्रिंग को बाहर निकाला जा रहा है, जिसके बाद में ब्लॉक हट जाएगा। और अभी दोस्तों, रेडियो वाटर को बढ़िया से वॉश किया जा रहा है, आप लोग भी देख सकते हो, बढ़िया क्लीन हो जाएगा। 8 साल मतलब बहुत चलिस, अभी क्लीन हो चुका है। और दोस्तों, यहाँ भी इंजन का ऊपर का एक उसको हटा दिया गया है, वहाँ पर भी कुछ ब्लॉक पाइप रहता है, उसको भी साफ़ किया जा रहा है। और यहाँ उसको साफ करके दोस्तों ठीक ठाक, इसको टाइट कर लो, फिर बनेगा, टाइट कर लो। तो दोस्तों, ये पीछे में यू बोल्ट में भी कुछ काम था, भी हो गया। और पूरा गाड़ी रेडी होने जा रहा है, आप लोग देख सकते हो, अभी पूरा काम चल रहा है, हल्का फुल्का बाकी है। अभी पट्टा तो भी बन गया है। और दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस का काम भी हो रहा है, ये भी फॉल्ट था। और इसका काम होने के बाद में गाड़ी एकदम अच्छा हो जाएगा। और फ्रेश हो जाएगा दोस्तों गाड़ी, अभी यहाँ पर जिस टाइप से बनवाया हूँ उस टाइप से, और दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो गर्म हो रहा था अभी दोस्तों, रेडियो वाटर बहुत दिन होने के बाद जाम हो जाता है, कचरा आ जाता है, उसको बीच में साफ करवाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और यहाँ पर उसको क्लीन एंड साफ करके रेडियो वाटर को पुनः फिट किया जा रहा है, जिसके बाद में देखते हैं दोस्तों इंजन गर्म होता है कि नहीं। और यहाँ मैं कूलेंट नहीं डाला था, पानी डाला था दोस्तों, और अभी कूलेंट वाटर डाल के अभी गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर रहे हैं दोस्तों। और हल्का सा कूलेंट पानी डाल के कूलेंट भी बढ़िया रही ना, चेक कर रहे हैं, जिसके बाद दोस्तों गाड़ी एकदम रेडी हो गया है और कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और इस टाइप से दोस्तों काम पूरा हो गया है। प्रया प्रया मैं जो काम करवाया उसमें 1750 रुपये लगभग का बिल आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों नमस्कार।